ओम शांति। आज बाबा के 26 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने सबसे पहले निश्चय बुद्धि बच्चों को याद किया। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो श्रीमत पर चलते रहेंगे, श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। निश्चय बुद्धि बच्चे बाबा की हर आज्ञा पर चलते रहेंगे। जो खुदाई खिदमतगार हैं वो राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें देखकर दूसरों को भी उमंग आएगा और वो बाबा के साथ सहयोगी बन जाएंगे। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि जब आप बैठते हो तो सबसे पहले ये याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। यहाँ बैठे बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग कहीं कहीं जाता रहता है। अगर अटेंशन खिंचवाएंगे तो उन्हें बाबा की याद रहेगी। उन्हें याद दिलाओ कि आप आत्मा रूप में भाई भाई हैं। बहनों भाइयों, शिव बाबा को याद करो। कोई भी नहीं जानते हैं कि ये शिव बाबा कौन है। भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं, उनकी बुद्धि में तो लिंग आएगा, लेकिन अब हम सब ने जाना कि वो ज्योति स्वरूप बाबा ज्ञान के सागर, शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं। भक्ति मार्ग में जब बुद्धि योग देवी देवताओं की तरफ जाता है तो भी उनको ये पता नहीं है कि इनको ऐसा किसने बनाया। धर्म संस्थापक को भी याद करते हैं, अब वो आत्माएं कहाँ चली गई ये बात कोई भी नहीं जानते हैं। तो बाबा आकर समझा रहे हैं आज कि बच्चे आपको फिर से देवता बनना है तो उसके लिए बाबा के राइट हैंड बनो, बाबा के कार्य में सहयोगी बनो। उमंग होना चाहिए कि हम बहुतों को रास्ता बताएं, बाबा का संदेश दें। अगर राइट हैंड बनकर सेवा करेंगे और कोई कुटुंब के कुटुंब सेवा में लग जाते हैं तो बहुत आगे जा सकते हैं। जन्मते ही राजा तो कोई नहीं होता है, पुरुषार्थ करना होता है। यहाँ भी बाबा कहते हैं आप पुरुषार्थ करेंगे, आपको देखकर औरों को भी उमंग आएगा। आपने मनुष्य को देवता बनाने की ये सेवा अवश्य करनी है। साथ साथ बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि जब अंतिम समय होगा उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे, केवल साक्षात्कार होगा और बहुत सी आत्माएं पश्चाताप करेंगी कि हमने पुरुषार्थ क्यों नहीं किया, हम कर सकते थे, पर उस समय क्या करेंगे, तब तो बाबा ने कहा वक्त ही बीत गया होगा। जैसे प्रदर्शनी में शुरू में चित्र दिखाते थे, आप क्या बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या देवता बनेंगे, ये बात सबको बतानी है कि मनुष्य से देवता बनाने वाला बाबा इस समय आया है। हमारा बाबा सो आपका बाबा, अब आप उसे याद करो तो आप देवी देवता बन जाएंगे। कोई तो राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं, कोई प्रजा में चले जाते हैं, कोई चंडाल बन जाते हैं। ये समझने की बात है कि इस पुरुषार्थ से पूरी राजधानी बन रही है, तो उस राजधानी में हम उच्च पद पाएं उसका पुरुषार्थ करना है, और परिवार के परिवार सेवा में लग जाएं तो बड़ा वंडर ही हो जाए। याद दिलाया बाबा ने, आप आत्माएं सच्ची सीता हो, आपको सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना है। जब आप लकीर के अंदर रहते हैं, श्रीमत का पालन करते हैं, खुद को केयर करते हैं, तो आप सदा चीयरफुल रहेंगे। अगर श्रीमत की लकीर से पांव बाहर आ जाता है, बुद्धि बाहर चली जाती है, तो बाबा ने कहा लकीर से बाहर जाते आपकी खुशी गायब हो जाती है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम आत्माओं को सुबह से लेकर रात्रि तक सब नियम मर्यादाओं का पालन अवश्य करना है। ये याद रखना है कि शिव बाबा राम की मैं आत्मा सच्ची सच्ची सीता हूँ। सेवा करनी है, सेवा की अति में नहीं जाना, साथ साथ स्वयं का पुरुषार्थ अवश्य करना है। याद पर बाबा ने बहुत ध्यान खिंचवाया कि बाबा को याद करते रहो। निश्चय बुद्धि बच्चे बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहेंगे। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ, मुझे श्रीमत की लकीर के अंदर रहना है, याद का पुरुषार्थ करते रहना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से।
बाबा कहते, मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि बन, बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो, आज्ञा पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। निश्चय बुद्धि बन, बाबा की हर आज्ञा पर चलते रहो, आज्ञा पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। कृष्ण किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे, किन बच्चों को कहेंगे कि बाबा के सच्चे सच्चे मददगार हैं। जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बन जाते हैं। जो खुद राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं, दूसरे भी उनके मददगार बन जाते हैं, सहयोगी बन जाते हैं। ओम शांति। तुम जब यहाँ बैठते हो तो सबको कहना है शिव बाबा को याद करो। जब भी बैठते हैं मुरली सुनने के लिए, बाबा को याद करके ही मुरली सुननी होती है, ताकि हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़े, ग्रहण शक्ति बढ़े। बैठते ही सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। ये तो तुम जानते हो शिव बाबा है, उनके मंदिर में भी जाते हैं, परंतु ये कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कौन है, सिवाय तुम बच्चों के। तो शिव बाबा की याद दिलानी है। यहाँ बैठे कईयों का बुद्धि योग कहीं कहीं भटकता रहेगा, इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। भाइयों बहनों, बाप को याद करो, जिस बाप से वर्षा मिलना है। भाइयों बहनों, बाप को याद करो, जिस बाप से वर्षा मिलना है। तुम अब सच्चे भाई बहन हो। वो तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते, लेक्चर्स में भी ऐसे कहेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो हैं भाई बहन शरीर के नाते से, यहाँ वो बात नहीं। यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता कि अपने रचयिता बाप को याद करो, उससे वर्षा मिलना है। अपने रचयिता बाप को याद करो, उनसे वर्षा मिलना है। फर्क है ना, भाई बहन अक्षर तो कॉमन है, यहाँ बाप बच्चों को कहते मुझ बाप को याद करो। वैश्य बाबा है रूहानी बाप, प्रजापिता ब्रह्मा है जिस्मानी बाप। तो बाप दादा दोनों कहते हैं बच्चे बाप को याद करो और कहीं भी बुद्धि योग ना जाए। बाप को याद करो और कहीं भी बुद्धि योग ना जाए। बुद्धि बहुत भटकती है, भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। श्री कृष्ण के आगे व किसी भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फेरते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहती है। देवताएं कौन है, उनको ये राजाई कैसे मिली, कब मिली, किसी को पता नहीं। ये देवी देवताएं कौन है, उनको राजाई कैसे मिली, कब मिली, किसी को पता नहीं। सिख लोग जानते हैं गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन किया, फिर उनके गुरु पोत्रे चलते आते, वह पुनर्जन्म में आते रहते, ये बातें कोई जानते नहीं। सदैव थोड़े गुरु नानक जी को याद करेंगे। अच्छा समझो, गुरु नानक को व बुद्ध को कोई भी अपने धर्म संस्थापक को याद करते हैं, परंतु ये किसी को पता थोड़ा ही है कि अभी वो कहाँ है। हर एक अपने धर्म संस्थापक को याद करते हैं, मगर ये पता नहीं कि अब वो कहाँ है। वो तो कह देते ज्योति ज्योत समाया, वाणी से परे चले गए, व कह देते कृष्ण हाजिरा हजूर है, जिधर देखो श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है, राधे ही राधे है, ऐसा कहते रहते। बाबा बैठ समझाते, तुम भारतवासी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवता की थी। देवताओं के चित्र तो है ना, चित्र ना होते तो ये भी समझते नहीं। राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, ये बाबा आकर समझाते हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो, ये तो निराकार बाबा हमें समझाते हैं। ये सारी बातें निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा हमें समझाते हैं। वास्तव में निराकार तो सब हैं, आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती हैं। निराकार तो बोल ना सके, तुम समझा सकते हो। हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा है, आप सबको बता सकते हो हमारा बाबा सो आपका बाबा है। शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, बेहद का बाप है। उनको भी शरीर तो चाहिए ना, खुद कहते मैं इस ब्रह्मा तन में आता हूँ, तभी तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। ब्रह्मा द्वारा रचना होती है ब्राह्मणों की,
तो बाप ब्राह्मण बच्चों को समझाते, दूसरा किसी को नहीं समझाते, बच्चों को ही समझाते हैं। ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान है, नहीं, बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो, बाप बने, बच्चे पैदा करे, तब बाप कहा जाए। इनके तो ढेर बच्चे हैं ना, बच्चों को समझाते, जो निश्चय बुद्धि हैं, निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से श्रेष्ठ बन सकते हैं। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो आज्ञा पे चलेंगे क्योंकि श्रीमत से श्रेष्ठ बन सकते हैं। अब तुम जानते हो हम उन देवताओं जैसे बन रहे हैं, जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आई, अब हमें श्रीमत पर ऐसा बनना है, राजाई स्थापन होनी है। सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबरवार चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है, बहुत बड़ी राजाई है। सभी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबरवार होंगे। राजाई में प्रजा, नौकर, चाकर, चंडाल सब चाहिए। ऐसे चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा कि चंडाल की फैमिली में जाएंगे। चंडाल एक तो नहीं होगा, उनकी भी फैमिली होगी, चंडालों की भी यूनियन होती है, सब आपस में मिलते हैं। स्ट्राइक आदि करें तो सब काम छोड़ दें। सत्युग में ऐसी बातें नहीं होती हैं। तुम्हारा एक चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो कि क्या बनना चाहते हो। पहला चित्र है जिसमें प्रदर्शनी में ये पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हो। बैरिस्टर बनेंगे, देवता बनेंगे, और भी कई सारी बातें पूछी जाती हैं कि आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे या देवता बनेंगे। ये जो विद्यालय है ये मनुष्य से देवता बनने का है। तुम्हारी सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कम थोड़ा ही है। बेहद का बाप बेहद की बातें समझाते, ये बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे, हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे। फिर दूसरों को जब आप समान बनाएं तब कहा जाए खुदाई खिदमतगार। अटेंशन, पहले स्वयं चलना है श्रीमत पर, फिर दूसरों को भी बनाएं, राजाई स्थापन करने में मददगार बनाएं, योग्य बनाएं, तब कहा जाए खुदाई खिदमतगार। किसका कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, आगे चल सब मालूम पड़ेगा। इसको ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है, रोशनी मिलती जाती। मनुष्यों को कुछ पता थोड़ा ही पड़ता, बॉम्ब्स भी अंदर बनाते रहते हैं, कोई भी चीज़ रखने के लिए थोड़े बनाते हैं। पहले पहले तलवार से लड़ाई चलती है, फिर बंदूक बनाई काम में लाने के लिए, रखने के लिए नहीं, समझते भी इससे मौत होगा। ट्रायल तो की ना, हिरोशिमा में एक बॉम्ब से कितने मरे, उसके बाद देखो कितनी उन्नति की, कितने ढेर मकान बनाए। अब ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहें, हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, इसलिए अर्थक्वेक आदि इकट्ठी होगी। कुदरती आपदाओं को कोई भी रोक नहीं सकता, कहते हैं ये सब ईश्वर के हाथ में है। अब तुम बच्चे समझते हो विनाश तो होना ही है, अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा, सो तो तुम जानते हो, कोई नई बात नहीं है ये सब होना, कोई नई बात नहीं। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, कल्प का ज्ञान कोई में है नहीं। कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, फिर शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी, कोई का भी अटेंशन नहीं जाता, सुनकर फिर अपने धंधे में लग जाते। तो बाबा बच्चों को समझाते, इम्पॉर्टेंट बात नोट करेंगे, बाबा बच्चों को समझाते, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकलती जाएगी। मुख्य बात है बाबा को याद करना, याद करेंगे तो खाद निकलती जाएगी। तुम्हें यहाँ ही सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सजाएं खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमत भगवान की मिलती है, श्री कृष्ण तो राजकुमार है, वह क्या किसको मत देंगे। इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते, श्रीमत कौन देता है ये बात कोई भी नहीं जानते। प्यार से समझाना है कि शिव बाबा को याद करो, बहुत प्यार से सबको ये मैसेज देना है, शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं माम एकम याद करो, वो भी कल्याणकारी है। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, एक बाबा को याद करना है, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्यनारायण की कथा भी भारत से ही ताल्लुक रखती है,
और धर्म वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे। ये सुनेंगे वो जो नर से नारायण बनने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे, वही अमर कथा सुनेंगे। जो देव कुल की आत्माएं हैं वो ये अमर कथा सुनेंगी। बाबा जो बातें सुना रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं, ये सच्ची अमर कथा है। अमर लोक में देवी देवता थे तो जरूर अमर लोक में अमर कथा से पद पाया होगा। एक एक बात याद करने लायक है। एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब आ जाएगा। बाबा को याद करना है और स्वदर्शन चक्र ध्यान में रखना है। बाबा को याद करना है, स्वदर्शन चक्र ध्यान में रखना है। शिव बाबा के साथ यहाँ पार्ट बजा रहे हैं, फिर जाना है। बाबा समझाते सच क्या है, झूठ क्या है। सत्य एक है, बाकी सब है झूठ। लंका में रावण था, एक की बात है क्या? सत्यु त्रेता में तो ऐसी बात होती नहीं। ये सारी दुनिया के मनुष्य नहीं जानते रावण कौन, लंका कौन सी। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। ये सारी मनुष्यों की दुनिया लंका है, ये है ही रावण राज्य। पूरी दुनिया में इस समय विकारों का राज्य है। सब सीताएं एक राम को याद करती हैं, अथवा सब भक्तियां साजन को पुकारती हैं। सब भक्तियां आत्मा रूपी सीताएं सभी साजन को, शिव बाबा को पुकारती हैं, क्योंकि रावण राज्य है। सन्यासी इन बातों को समझ ना सके, सब दुखी हैं, शोक वाटिका में हैं। शोक वाटिका है कलयुग, अशोक वाटिका है सतयुग। यहाँ तो कदम कदम पे शोक है, दुख है। तुम्हें बाबा अशोक स्वर्ग में ले जाते हैं। यहाँ मनुष्य कितना शोक करते हैं, कोई मर जाता है तो जैसे पागल हो जाते हैं। स्वर्ग में ये सब बातें नहीं होती हैं। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती जो स्त्री विधवा बने। वहाँ तो समय पर एक चोला छोड़ दूसरा लेते हैं। मेल व फीमेल का लेंगे तो ये साक्षात्कार हो जाएगा। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा कौन क्या बनेंगे। फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की, परंतु उस समय कहने से क्या लाभ। अंत समय जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, फिर अगर सोचेंगे कि मैंने मेहनत नहीं की, पुरुषार्थ नहीं किया, तो बाबा कहते उसका क्या लाभ, समय तो बीत गया ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे। सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो तो आ जाएंगे। सर्विस में लगे रहो, मिसाल भी है ना, कैसे कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लग पड़े हैं। कहेंगे इस कुटुंब ने कर्म ऐसे अच्छे किए हैं जो सब ईश्वरीय सेवा में लग गए हैं। बाबा याद कर रहे हैं पूरे परिवार के परिवार जो समर्पित हो गए, सह परिवार सेवा में लग गए। तो बाबा कहते हो तो बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं जो कुटुंब के कुटुंब सेवा में लग गए। माँ बाप बच्चे, ये तो अच्छा है ना। सर्विस पिछाड़ी चक्र लगाते रहते हैं। तुम बच्चों को बहुत उल्लास होना चाहिए, कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं तो उनकी आत्मा खुश हो जाए। कितनों को रास्ता बताते हो, ये तुमने प्रजा बनाई, बीज बोया ना। जितनों को आपने रास्ता बताया, आपने उनमें ज्ञान का बीज बोया, ये समझो प्रजा बन गई। जमते जाम कोई भी होता नहीं, जन्मते ही कोई राजा नहीं होता है। पहले प्रजा के अधिकारी होते हैं, फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन सकते हैं। तुम्हें सर्विस करता देख औरों को भी उमंग आएगा, क्यों ना हम भी ऐसा पुरुषार्थ करें। आप उमंग में रहेंगे, औरों को भी उमंग आएगा, क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करें। नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा हाल होगा, बहुत आएंगे पछताएंगे। उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में कभी भी नहीं देखते। उस समय जब पश्चाताप की घड़ियां होती हैं, जो दुख अनुभव होता है, ऐसा दुख अनुभव करते जो पहले कभी नहीं किया। श्रीमत पर ना चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे, बात मत पूछो, क्योंकि अनेक विकर्म किए हुए हैं। बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते, सिर्फ बाबा को प्यार से याद करना है। रास्ता कौन सा है? बाप को प्यार से याद करना है। औरों को भी रास्ता बताओ, तुम देवी देवता धर्म के थे, जैसे क्रिश्चियन धर्म के मनुष्य इस्लामी धर्म के मनुष्य, वैसे ये सबसे पवित्र, इन जैसा धर्म कोई और हो नहीं सकता। आधा कल्प तुम पवित्र रहते हो,
स्वर्ग नरक गाया हुआ है। हेवन किसको कहा जाता, किसी को पता नहीं। बाप भारत में आकर बच्चों को जगाते हैं, 5-4 वर्ष की बात है। बाबा स्वयं आके हमें जगाते हैं, 5-4 वर्ष की बात है। जो स्वर्गवासी थे वो अब नरकवासी बन गए, फिर बाबा आके पावन स्वर्गवासी बनाते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को अपनी अशोक वाटिका में ले जाते हैं। तो पहले पहले सबको कहो बाप को याद करो, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे बुद्धि कहीं कहीं भटकती रहती है। यहाँ जब बैठते हैं तो सबको बोलो शिव बाबा को याद करो, ऐसा ना हो कि बुद्धि कहीं बाहर भटकती रहे। भक्ति मार्ग में भी ये हाल होता, बाबा अनुभवी तो है ना, सबसे अच्छा धंधा जवाहरात का होता, उसमें सच और झूठ को बड़ा मुश्किल समझते। यहाँ भी सच छिपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता रहता, ये भी ड्रामा में नोंद है। जानते हो हम सब ड्रामा के एक्टर हैं, इनसे कोई भी निकल नहीं सकता, कोई भी मोक्ष को नहीं पा सकता। विवेक से काम लेना होता है, पार्ट में चलते ही जाते फिर कल्प के बाद वही पार्ट रिपीट करेंगे। तुम देखेंगे कैसे मनुष्य मरते हैं, विनाश होना है। सब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएंगी, सब आत्माएं निर्वाण धाम अर्थात शांति धाम में चली जाएंगी। ये बुद्धि में ज्ञान है। सर्विस पर लगे रहने से बहुतों का कल्याण होगा। सारा परिवार ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर ही हो जाए, सारा ही परिवार सेवा में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाए। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाबा की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है, सर्विस में बाबा का राइट हैंड बनना है, आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। वरदान है सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं अर्थात ये केयर करते हैं, वह केयरफुल सो चेयरफुल स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसे जो अपनी केयर करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, वो चेयरफुल रहते हैं। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हैं उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख, स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। सरल शब्दों में स्वयं को सच्ची सीता अनुभव करते सुबह से रात तक के लिए जो भी नियम मर्यादाएं बनी हैं उस पर पूरा पूरा चलना है। जो ऐसे ध्यान रखते हैं, केयरफुल रहते हैं, वो चीयरफुल बन जाते हैं, सदा हर्षित रहने वाले बन जाते हैं। आत्मा सच्ची सीता है, बाबा राम है। जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, लकीर के अंदर रहते हैं तो सेफ रहते हैं। स्लोगन है सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्वयं के पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। सेवा भी करो लेकिन स्वयं के पुरुषार्थ का भी बैलेंस रखो। सेवा के साथ साथ स्वयं की उन्नति पर भी, स्वयं के पुरुषार्थ पर, योग पर, सूक्ष्म धारणाओं पर, तपस्या पर पूरा पूरा ध्यान देना है। आज हम याद रखेंगे मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाली मैं सच्ची सच्ची सीता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। एकाग्र हो जाएं अपने मस्तक में, मस्तक मणि को देखें, श्रीमत का पालन करने वाली
श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाले मैं सच्ची सच्ची सीता हूं। आज से मुझे मर्यादाओं के प्रति सजग रहना है, केयरफुल रहना है। यही चीयरफुल रहने का बहुत बड़ा आधार है। एक बाबा की याद से हम इस लकीर में सेफ रहेंगे। बाबा की किरणों के नीचे स्वयं में शक्ति भरें। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जगा लो विवेक, सारे जग का करण धार हो।